और इनकी बीबियां परेशान हो जाती घर पे मिलने के लिए। हम कार चलाने वाले लोग, हम कार चलाने वाले लोग तो रात को घर जाके सोते हैं, ये 15-15 दिन में घर पहुंचते हैं। इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों, सब पूछो क्या हालत होती है। कैसे पालता है, कड़ी मेहनत करके। और इसमें जब तक कानून वापिस नहीं होगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। ड्राइवर मजदूरी करेगा, डलिया डालेगा, जो भी करेगा, मगर गाड़ी नहीं चलाएगा, बिल वापिस नहीं होगा तब तक। ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है, वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको? अगर उसके पास ये पैसा होता तो नौकरी क्यों करता? इनकी बात सुनकर यकीनन आपका दिल भी पसीज गया होगा। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये ड्राइवरों की भीड़ है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि हिट एंड रन सड़क दुर्घटना मामले में नया कानून लाया गया है, जिसमें इंडियन पीनल कोड 2023 में हुए संशोधन के बाद एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे हिट एंड रन के नए कानून को लेकर कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में ड्राइवर अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 15-15 दिन में घर पहुंचते हैं, इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों, सब पूछो क्या हालत होती है। हम ये चाह रहे हैं, हम किसी सरकार कानून के विरोध में नहीं है, बस ये कि जो सजा का है इसका तो संशोधन करना चाहिए। इन गरीबों की क्या हालत होगी, सब इनके लिए करते हैं। परिवार कौन सा विभाग है जहाँ ड्राइवर के लिए नियम होता है? 10 साल नौकरी करी, लात देके सेट निकाल देता है, भले वो 4-व्हीलर का हो या 2-व्हीलर का हो या ट्रक का ड्राइवर हो। भाई साहब, रोड जाम इसलिए करके रखा है ट्रक वालों ने कि इनको 10 साल की सजा का प्रावधान है। हम किसी सरकार और कानून के खिलाफ नहीं है, पर नियम ये है कि कानून में संशोधन करें, इसको लाके जुर्माने की ओर ली जाए, ये किसी भी बैठक करके सही काम करे। ये हर आदमी ड्राइवर जो रहता है परिवार पालने के लिए होता है, और जो सबसे गरीबी स्थिति में होता है वही आदमी ड्राइवर मजबूरी और परेशानी में ड्राइवर बनता है ना। ड्राइवर कोई हर आदमी मर्जी से बनता है क्या? कोई भी आदमी नहीं बनता। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ड्राइवर बने, कोई चाहता है कि मार साहब बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने या नेता बने, कोई भी बने, पर कोई ये नहीं चाहता कि मार साहब बने। इन लोगों की ना ये पुकार बिचारो टोटल, यार रात दिन सड़क पे भटकते। हम तो 4-व्हीलर चलाते, सुबह से शाम 8 घंटे में हमारे घर चले जाते, हमको कोई परेशानी नहीं है, पर ये लोग 8-8 दिन 15-15 दिन विदेश देश विदेश भटकते हैं, घर की रोटी एक दिन नहीं खा पाते हैं। तो ये लोग क्या है, मात्र परिवार पाल रहे, क्योंकि इस दुनिया में सर पे रख के कोई ऊपर नहीं ले जाता। सिर्फ परिवार की जगह दुनिया में से जीत के आ जाते हैं, ये विश्व जीत लेंगे पर सिर्फ परिवार से नहीं जीत पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जो दस साल की जो सजा है, जो नियम कर रहा है, इसका समाधान या तो दंड करके पैसे में कन्वर्ट करे, साल दो साल का करे। ये 10 साल का नियम कौन सा है? मनक का मर्डर कर दो तो 20 साल की सजा है, समझना आप। और 10 हजार की नौकरी में आदमी 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? जमीन बेचेगा के बीबी बेचेगा के माँ बाप बेचेगा, क्या बेचेगा बताइए आप। हड़ताल इसलिए की है कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने गलत अपना उसका पद का प्रयोग किया है, और ड्राइवरों के लिए जो कानून बनाया है उसमें ड्राइवर के लिए 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना किया है। ड्राइवर अपने बच्चों को कैसे कैसे पालता है, कड़ी मेहनत करके। और इसमें जब तक कानून वापिस नहीं होगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। ड्राइवर मजदूरी करेगा, डलिया डालेगा, जो भी करेगा, मगर गाड़ी नहीं चलाएगा, बिल वापिस नहीं होगा तब तक। इंकलाब। सरकार कानून बना रही है कि ड्राइवर को एक्सीडेंट होने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, प्लस 10 साल की सजा, जो कि अंधा कानून है। अगर एक ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है, वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको? अगर उसके पास ये पैसा होता तो नौकरी क्यों करता? धंधा करता कोई? जो कि इस कानून को सरकार को बदलना होगा,
और गाड़ी जो है मालिक की है, तो ये कानून बनाना है तो मालिक के ऊपर बनाए, ड्राइवर के ऊपर ना बनाए। ना बनाए, सही बात है। कितने दिन का रहेगा ये हड़ताल आप लोग? ये जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी, ये कानून बदलेगा नहीं तब तक कि हम हड़ताल पे रहेंगे।